हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मीना संजय वल्दिया व्लॉग में। और व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए, और अगर थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए, व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक थोड़ा कर लेते हैं, घर का काम निपटा लेते हैं। मैं इनकी एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मुझे काफ़ी पसंद आई, मेरे तो बस के बाहर है बट अच्छा लगा देख के, लेकिन इन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं दिखाई थी। वेट, दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, मैंने छुपा के रख के आई हूँ इनसे। तो इंतज़ार ना कराते हुए मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे मिला है हस्बैंड जी का, तो आप लोग बताना आपको कैसी लगी। और जो मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी वो है ये ड्राइंग जो मुझे बहुत पसंद आई मेरे हस्बैंड जी की। देख सकते हो आप लोग, ऊपर लिखा है आई एम सॉरी। मुझे ऐसा लगता है इसमें लड़का जो है नाराज है लड़की से। बताओ तो कौन नाराज है, किसको नाराज कर दिया आपने, बताओ ना नाराज कौन नाराज है उसमें, किसी लड़की लड़का को है। उसने किया है, बस लड़का फूल दे रहा था लड़की को, सॉरी सॉरी लड़की फूल दे रही थी लड़के को, तो लड़की ने लिया नहीं और लड़का बोले सॉरी, उसकी लड़की अबू लटका हुआ है। आपने दिया आज तक कभी किसी हमने को किसी को फूल? दिया है, नहीं, झूठ बोल रहे हम हैं, नहीं देते। मुझे तो दिया है इन्होंने, झूठ बोल रहे हैं। हाँ और मुझसे मतलब पहले किसी और को भी दिया होगा, लेकिन हम बता नहीं सकते ना, दिल की व्यथा सुना नहीं सकते हैं। और ये बनाई है मेरे हस्बैंड ने, व्हाट अ विंटर। विंटर में कोट डाली हुई लड़की जिसे लग रही है बहुत ज्यादा ठंड। और आपने क्या क्या सोचा इसके बारे में जब आपने ये पेंटिंग बनाई? प्लीज यहाँ देखिए आप, कम मुस्कुराइए ना थोड़ा। कि ठंड में हमको कंबल दे दे, वो यही सोचा था हमने तो। अच्छा, कभी तुमने सोचा था तुम्हारी पेंटिंग इस तरह यूट्यूब में वायरल होंगी? नहीं, बेहोश, बताइए बताइए। मैं बेहोश हो जाऊंगा, बेहोश। एक तो तुमको ही मिल गई, एक्चुअली मिलनी नहीं चाहिए थी तुमको। क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी, पता होना चाहिए ना बीवी को। और ये देखो, इन्होंने दो बहरूपी बनाई है औरत। अरे बहरूपी नहीं है वो, पानी नीचे। क्या बोलते, लड़की है नीचे उसका मिरर है, मतलब इमेज है नीचे दूसरी उसकी, इसलिए ऊपर नाम लिखा है अक्स, वो उसका अक्स है। ओह माय गॉड, और तुम्हारा अक्स कहाँ है? हमारा अक्स वो बना रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, और ये मोटी आ चुकी है स्कूल से, जो हाँ। क्या जो स्कूल में तुम्हें क्या इंस्टा कर में लाइव चल रही थी, जो बोल दिया 225 फोन से नहीं लगेगी। नहीं लगी थी, लेकिन लाइव थी ना, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर है, मैंने स्क्रीन में पूरा रिकॉर्ड और किया था। चाचा ने इसका स्क्रीन रिकॉर्डर ले रखा है, पता नहीं क्यों ले रखा है इसके चाचा जाने। ठीक है, और ये है पता नहीं कौन से नंबर की पेंटिंग, ये क्या है, ये स्नेक आईज, स्नेक आईज लिखा स्नेक हुआ है, आईज। स्नेक आईज। ओ स्नेक की भी माय, आंखें होती है। लो बेटा, एक महान हाई अरे स्कूल में पढ़ी है, हाई स्कूल में पढ़ी है ये। हाँ सुना, थोड़ी चाचा ऐसे स्नेक आईज ऐसा कौन बनाते हैं? ने अरे वो आर्ट है बनाई, भाई, वो चाचा ने इसीलिए बनाई है, तेरे चाचा ने वो एक मतलब क्या सोच। खिला दे और मेरे सबको। से दक्षित क्या बोला था ना, मैं जैसे ही स्कूल से आई मैंने कहा अम्मा मेरे को भी खाने आना, उसने क्या कह दिया ना, नहीं है हमारे घर में। सही बोला, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट, उसे भी पता है ना दीदी सब कुछ अकेले अकेले खुद खा लेती है, अकेले उसको अकेले देती अच्छा हूँ, वाला आइटम। उसको देती हूँ। ओह माय गॉड, स्नेक आइस बनाई आपने, आपकी आइस कैसी हैं? बिल्ली वाली, इनकी थाप आइस वाली। से तो बुढ़ापा चढ़ बोलने वाला थोड़ा अपनी ओर भी देख ले। है। मैं अभी छोटी हूँ, क्या हाँ बोला वो तू? गजब देती हूँ, वो पता है तू ना, चाचा छोटी की हूँ। साइड है या चाची ढाई की? केजी का मेकअप, क्या बोला आपने, 2.5 केजी का मेकअप? कौन लगाता है 2.5 केजी का मेकअप? वो मेरे को पता है ना। नहीं, 2.5 के, अभी 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 रुको, मैं ना फ्रंट कैमरे से मैं, अपना फेस हाँ दिखा। आप सुनो, बताओ मैंने क्या 2.5 केजी मैं का इनके लिए मेकअप मेकअप करा? बॉक्स लेके आया था पिछले फॉरेन 5-6 महीने से, पहले, जब मैं बाहर था तो वहां से फॉरेन लेके से। आया था फॉरेन से, तो उस टाइम पे जब मैं लेके आया था बोले नहीं लाना, और वो अभी मेकअप बॉक्स मतलब उसको 5-6 महीने भी नहीं हो, 5-6 महीने वो खाली हो गया। तो लेके किसके लिए आए? आया मेरे लिए हाँ मेकअप, और मुझे वो आप छोटा लोग वोटा भी नहीं, इतना बड़ा मेकअप अप्रोक्स, अभी वो दिखाती हूँ, ला तो दिखाती तो हूँ। टूट चाची गया। इसमें तो मैं आपकी साइड हूँ, क्यों बोलो तो क्या चाचा को मेकअप बॉक्स लाना ही नहीं था ना, इससे बढ़िया तो अब लाएंगे हाँ तो लगाना तो होगा ही, ना ये ना, सुनो भतीजी सुनो है सुनो, मेरी पहले साइड, मैं जब लगाना तो होगा मैंने ही। पूछा कुछ लाना है मेकअप बॉक्स, बोला नहीं जरूरत नहीं है, बोला मेकअप बॉक्स, लेकिन वो मेकअप इतना यूज हो रहा है बिल्कुल, कभी भी आप वीडियो देख सकते, यहाँ गोरा होता है, इधर तो मेरे को किसी गाइस काल जब का होता चाची ने है। एक बार मना कर दिया था तो चाचा को नहीं आना चाहिए था। अब देखो मेरे हस्बैंड के उसमें कितने डॉलर का था, वो कितने डॉलर का है वो मेरे ख्याल से उसमें, मेरे यार हस्बैंड के पैसे वेस्ट हुए हैं। तो मुझे होता है यार, मेरे ट्वेंटी हस्बैंड इतना मान के फाइव लाए और हैं 30 डॉलर मेरे मेरा लिए, ठीक है,
तो मुझे उन पैसों का यूज मैं तो सजी गई ये होती है असली गृहिणी असली गृहिणी होती है सब कुछ दबा के ले ले अपने पास बस ये होती है गृहिणी और क्या वो तो गृहिणी देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आज जो काम करा रही थी गृहिणी तो हेल्प करनी चाहिए अपनी वाइफ की क्या है बस हमेशा रॉब झाड़ो पानी का गिलास लाओ चाय लेके आओ दासी दासी बना के छोड़ रखा है मुझे और कुछ नहीं दासी ये बनी है दास हम बने देख लीजिए आप जरा देखिए बना रखी है लव यू हमेशा ये पता नहीं इतनी ऊंची हील अपनी बीवी को तो कभी नहीं पहनाई लड़की की बना रखी है मुझे तो कभी नहीं पहनाई इतनी ऊंची हील तुम्हें बना गया किसने मैं नहीं पहनती हूँ आपको पता है ना तो बस ऐसा बोलो बीवी तो पहनेगी मतलब आप चाहते थे कि मेरी होने वाली बीवी इतनी लंबी सैंडल हमारी बीवी होने वाली भी क्या है भाई तुम्हारी जो मर्जी तुमने जो हिल पहननी हिल पहनो हिल मारनी हिल मारो नहीं ये ड्राइंग क्या सोच के बनाई गई है ये सोच के नहीं पेपर से देख के बनाई गई है ओ पेपर से देख के बनाई है चलो फिर बढ़िया सी मैं बताता हूं दिखाओ फिर बिल्कुल दिखाओ मैंने पेंसिल का यूज नहीं किया पेन से बनाई है बॉल पेंसिल नहीं दिखाओ पेपर के ऊपर ऐसे टाइम पास ओके दिखाइए और ये बनाई है मेरे हस्बैंड ने हैप्पी न्यू ईयर और इसमें इन्होंने सन भी लिखा है ये इन्होंने बनाई है 2008 में 2008 में मैं कितने में थी 2008 में मैं इंटर पास आउट हुई थी और तब मेरे हस्बैंड ये पेंटिंग बना रहे थे जब मैं इंटर पास आउट हुई थी ये वाली बिंदड़ी लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी मेरी जैसी नाक मोटी मोटी होंठ मोटे मोटे बाल बिखरे बिखरे मुंह गोल गोल है ना देखा फ्रेंड्स आपने इन्होंने 10 साल पुराना राज मुझसे कैसे छुपा के रखा था चलो कोई चोरी वोरी की होती तो अलग बात थी इतनी अच्छी पेंटिंग है इनकी दिखाना तो चाहिए कभी बताना चाहिए इतना अच्छा आर्टिस्ट होता मैं दिखाता भी जस्ट टाइम पास है वो भी कब की जब हम ट्रेनिंग करते थे ट्रेनिंग के दिनों में और वो मुझे इनके सूटकेस में फौजियों का पुराना सूटकेस होता है आप लोग को पता ही है जो फौजी कवर से ढका हुआ था तो मम्मी ने बोला देख तो इसमें संजू का क्या क्या सामान है तो देखा तो उसमें तो मुझे मिल गई इनकी पेंटिंग अभी इन्होंने और भी बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी लेकिन इन्होंने लास्ट में वो कॉपी मुझसे छीन ली कि बस जितना बनाना था बना लिया अब मुझे दे दो तो ये बेइज्जती को इतनी अपनी कौन करवाएगा यार क्या बेइज्जती करी मैंने तारीफ करी है तुम्हारी बताना आप लोग कि मैंने बेइज्जती करी या तारीफ करी उनको पता है हमारा लेवल क्या है अच्छा जी तो चलिए ज्यादा चप्पर चप्पर नहीं करते हुए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आई होप आप लोगों ने हमारा आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा अगर ब्लॉग एंजॉय किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए कल मिलते हैं फिर आपको एक न्यू ब्लॉग के कितने आलसी है उठ भी नहीं सक रहे हैं वीडियो में अरे यार उठ भी नहीं पा रहे हैं बाय बोलने के लिए हिम्मत भी नहीं हो रही है एनर्जी डोज मिल गया एनर्जी डोज मिल चुका है क्योंकि बेइज्जती बहुत की ना इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा था अच्छा तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड कल मिलेंगे आपको फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ तब तक के लिए ओके बाय एंड गुड नाइट शुभरात्रि